कौन है? कौन है वहां? तेरी मौत। सुल्ताना यास्मीन, तुमने चाली चली चाल बिछाए, खेल खेले, अब मुकाबला कर, उठा ये तलवार और बुस्तिलों की तरह पीछे से हमला नहीं, एक सिपाही की तरह सामने से मुकाबला कर। आप हमसे मुकाबला करेंगी इस हालत में? शेरनी बुरी से बुरी हालत में भी एक गीदड़ पर भारी पड़ती है। लगता है भूख की वजह से आपका यह दिमाग खराब हो गया है और जिस्म में कमजोरी आ गई, इसके लिए तलवार गिर गई आपके हाथ से। इनसे पूछिए कि क्या लेंगे। तेरी जान। क्या हुआ? सियासत और कमीनेपन ने तलवारबाजी बुला दी या फिर सिर्फ डर लग रहा है? बेहतरीन, तू हमारे अलादीन का, उसके अब्बू का, अम्मी का, भाई का, हमारा, हमारे अब्बू का, सबका गुनहगार है जफर। और आज हम तुझे ऐसी मौत देंगे कि वो 100 मौतों के बराबर होगी। पे तो हम एक नहीं, हजार मर्तबा मरने को तैयार हैं। लेकिन अफसोस, बहुत वक्त हो चुका है, क्योंकि अब हम मरने नहीं वाले बल्कि हम मारेंगे। पड़ गई ना सहारे की जरूरत?
कसम सोने की अशर्तियों की मियाँ, नाज़नीन को ऐसा लगता है कि उसने वजीर आला का खास बन के कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। ये सुल्ताना तो बेहद खतरनाक निकले। अल्लाह का शुक्र है कि तुम तीनों ठीक हो। मम्मी आपको तो चोट लगा। नहीं वो अलादीन और गुल्लू वो लोग अभी भी वही हैं क्या? आका छोटा, ये तू अंदर जा और आराम कर। पर चाची जान, मैंने कहा ना अंदर जाकर आराम कर। चल, तुम दोनों ठीक हो ना? बुलबुल चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो हमें बुलबुल चाचा के कंबल ने बचा लिया, लेकिन आका आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? जैसे ही आंसू लाने वाली हवा से लोग परेशान होना शुरू हो गए। जिन्होंने आके मुझे चुपके से बता दिया कि ये काम बुलबुल चाचा का, और तुम तीनों को भी उन्होंने ही यहाँ लाया। मुझे और गुल्लू को भी वहां से निकल लेना चाहिए, और हमने वही किया। बुलबुल चाचा, आपको कैसे पता चला कि हम सब खतरे में हैं? हाँ, ये सब जीनू ने किया है। उसने मुझे खतरा बोल के कबूतर उड़ाया और पैगाम भेजा कि तुम तीनों को मेरी मदद की किश्ती की जरूरत है। मैं आंसू वाली हवा के साथ हवा की तेजी से आ गया। तुम सबके चेहरे की मोमबत्तियां क्यों बुझी हुई? अंगूठी छाप कहाँ है? माफ कीजिएगा बुलबुल चाचा, अंगूठी छाप को बचा ना सका। वो हम सबके लिए लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए। या अल्लाह, ये क्या किया तूने? उस जफर को अपने किए की सजा भुगत नहीं होगी। हाँ, उस जहर को भी। ये जहर है कौन? और तुम दोनों और अंगूठी छाप, दोनों उसके जाल में फंस कैसे गए? जहर कमीने पन में जफर की नानी, रिश्ते में उसकी छोटी बहन लगती है। वो तरह तरह के जहर बनाकर तो करनी मलिका तक सफर को पहुंचने में मदद कर रही है। उसके जादू और जहर के बगैर जफर की ताकत आधी है, पर जहां
जहां तक हम तीनों के उनके जाल में फंसने की बात है तो हुआ यूं। ये खुफिया खत सिर्फ तुम्हारे लिए है, मुझे ठीक रात के दूसरे पहर शहर के बाहर वाले खंडर में मिले। और बगैर किसी को बताए तुम दोनों भी। हमें आका को सब बताना होगा और यहाँ से निकलना होगा। चलो जल्दी। हाँ, हमारा और सुल्ताना का अगवा होना, अंगूठी छाप की कुर्बानी, इन सब के पीछे शहर का जहरीला दिमाग है। की हालत बहुत खराब है। सफर ने सुल्ताना को शहर की गुफा में कैद करके रखा है। मैं गुड़ी छाप को तो ना बचा सका, लेकिन नकचुड़ी को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। लेकिन उसे बचाऊंगा। नहीं लाडले, तू नहीं जाएगा लाडले। कई दूरियों के समंदर पार करने के बाद तेरे साथ का किनारा मिला है। मैं एक बार तुझे खो चुका हूं लाडले, दोबारा खोना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं लाडले। चाचा, मुझे कुछ नहीं होगा। उल्लू की बात सही है आका। अम्मी आप ही समझाइए ना। भाईजान ठीक कह रहे हैं अलादीन, अम्मी सबके सर पर खून सवार, बगदाद का बच्चा बच्चा तुझे ढूंढ रहा है। हाँ अम्मी, लेकिन भाईजान आपको पता है अलादीन जब छोटा था मदरसे जाने से पहले रोज रोज रोता था। अलादीन, अलादीन सुन तो सही, वो लड़का मुश्ताक तुझे चिढ़ाता है, इससे तू मदरसे नहीं जाएगा। हाँ वो भी रोज रोज रास्ता रोकते, मैं नहीं जा रहा। तुझे एक राज की बात बताऊं सुनेगा? ये जो जिंदगी की मुश्किलें होती है ना, बहुत डरपोक होती है। इनसे भागो तो पीछे पीछे आती है, लेकिन अगर हिम्मत से इनका सामना करो तो दुम दबाकर भाग जाती है। मुश्किलों की भी दुम होती है। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अलादीन तू ही बता दे। उसके बाद मैं फिर से मदरसे गया और उस मुश्ताक के सामने जाकर डट कर खड़ा हो गया। और फिर उसने कभी तंग किया तुझे उसके बाद? कभी नहीं। भाईजान मैं जानती हूं कि आप अलादीन से बहुत मोहब्बत करते हैं, पर उतना ही प्यार आप अपने बगदाद से भी तो करते हैं। लेकिन रुखसार, बाहर इतने सारे लोग हैं। भाईजान वो सब लोग अपने हैं, पराए नहीं हैं। बस इस वक्त सच से अनजान है, और जो लोग सब जानते हैं वो अपने घरों में छुपकर बैठ जाएंगे, तो झूठ की हुकूमत को खत्म कौन करेगा? मैं करूंगा। हम भी। जाओ मेरे बच्चों, इस मिट्टी के लिए, सुल्ताना के लिए, चीनू के लिए, अंगूठी छाप के लिए, तेरे अब्बू के लिए। बगदाद कभी नहीं बिखर सकता लाटले। रुखसार जैसी शेर दिल माओं की मोहब्बत और हिम्मत ने इसे जोड़ के रखा और हमेशा जोड़ के रखेगी। तुम्हारे और बुराई के बीच में इस जैसी हजारों माओं की दुआएं दीवार बन के खड़ी है लाटले। तुम सब पूरी तरह महफूज हो। जिनमिनी चाचा, मुझे वहां ले चलो जहां सफर ने नकचड़ी को कैद करके रखा है। जी आका। जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। जाओ मेरी फौज, जीत के आना।
नाजुक हाथों में फूल अच्छे लगते हैं, तलवारें नहीं सुल्ताना। बहन के ख्याल दक्यानुसी और भाई के, भाई को तो सोचने के लिए भी बहन की जरूरत पड़ती है। तुम्हें क्या पता जहर, जब घर में घुसपैठिए हो तो हाथ में फूल पकड़ने वालों को भी शमशीर पकड़नी पड़ती है। आपको आप लोगों के खिलाफ भड़का रहा था और आप लोगों को मारा था, कि मदद नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। चीनू माफी मत मांग, तेरी कोई गलती नहीं है, मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ। अभी सारा जी और चाचा कहाँ है? वो लोग अलादीन के साथ जहर की गुफा में गए हैं सुल्ताना को बचाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, हमें बचा गई करीबी। वो औरत और उसकी वो जगह बहुत खतरनाक है, मुझे जाना होगा उनकी मदद करने के लिए, मैं जाता हूँ। जीनू नहीं, तो पहले ही हम लोगों के लिए इतना खतरा उठा चुका है, सफर को तुझ पर शक नहीं होना चाहिए। तू जफर के आस पास रह, जिससे उसे यकीन रहेगी तो उसका वफादार है चिराग का जिन। अंगूठी छाप ने इसी राज के लिए अपनी कुर्बानी दी है जीनू, उस कुर्बानी को जाया बच जाने दे। समझ गया मुझे क्या करना है। आका, सुल्ताना वहां कहती। यही कहते, अगर नकली यहां नहीं है तो फिर कहां है? कहीं सफर ने उसके साथ कुछ।
ईश्वर, तू हमारे साथ तलवार बाजी में नहीं टिक पाया, इसके लिए फिर से तूने चालबाजी का सहारा लिया। कोई नहीं, उल्टी गिनती करना शुरू करते सफर। शमशीर उठाने का बड़ा शौक था ना तुम्हें, अब फूल बन के पड़ी रहो किसी कोने में। ये क्या है जहर, ये क्या है?